Now, the question says, two concentration of the same aqueous solution of glucose is determined by two students, Savan and Gautam. Savan reported the concentration as 20% weight by weight and Gautam reported the concentration as 25% weight by volume. If both the concentration are correct, then the density of solution is. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के सेम एक्वस सॉल्यूशन की दो कॉन्सेंट्रेशन को दो स्टूडेंट ने डिटरमाइन किया, सावन ने और गौतम ने. सावन ने रिपोर्ट की कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज और वो रिपोर्ट की 20%. गौतम ने रिपोर्ट की कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वो रिपोर्ट की 25%. अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सही हैं तो सॉल्यूशन की डेंसिटी इनमें से क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे जो गिवन है, सबसे पहले हम उसे मेंशन कर लेते हैं. गिवन है हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, ये है 20% जो कि रिपोर्ट की है सावन ने. और कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ये है 25% जो कि रिपोर्ट की है गौतम ने. अब ये जो वेट बाय वेट परसेंटेज है, ये क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये जो 20% है वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ये बता रही है कि सॉल्यूट का 20 ग्राम सॉल्यूशन के 100 ग्राम में डिसॉल्वड है. सिमिलरली अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो ये है 25%. ये यहाँ पे डिनोट कर रही है कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 100 ml of solution. हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये होगी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं डिवाइडेड बाय का निशान. सो दिस इज लाइक दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को बाय यूजिंग मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो गिवन है, ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमारे पास में सॉल्यूशन का मास नहीं है. यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये किया हुआ है सॉल्यूट का मास. तो सॉल्यूशन का मास जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेट बाय वेट परसेंटेज. किस तरीके से, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. तो दैट मींस 1 ग्राम सॉल्यूट ये डिसॉल्व होगा 100 बाय 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. तो ये जो 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, 25 ग्राम सॉल्यूट ये डिसॉल्व होगा 100 बाय 20 इंटू 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो दैट मींस ये जो 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ये 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्वड है. तो हमें यहाँ पे ये 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का सॉल्यूशन के टर्म्स में मास कितना होगा ये पता चल गया, और वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे गिवन है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का जो कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्वड है. तो अब हम जो है डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 125 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिवाइडेड बाय 100 ml. तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास हो गया 125 ग्राम सॉल्यूशन का और वॉल्यूम हो गया 100 ml.
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस इसमें गिवन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए है 0.8 ग्राम पर ml, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी 1 ग्राम पर ml, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी 1.25 ग्राम पर ml, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 1.33 ग्राम पर ml, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड। दस द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।